राखी जो है मैन्युफैक्चर टाइप का ही छोटा सा एक व्यापार चलता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। मैंने 5,000 रुपए लगा के सारा सामान बनाया, तो उसमें वो अपना अर्निंग का कुछ ना कुछ जरिया है। अभी तो सीजनल है मगर अगले साल ये बड़े स्तर से काम शुरू करेंगे। रक्षाबंधन के पावन त्योहार को लेकर इस बार पीलीभीत में आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रही महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई राखियां बाजार में बिकने के लिए आई हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी मेन मार्केट में जहां से पूरे शहर पूरे ज़िले में राखियों का बाजार सस्ता है और यहां से ही स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाई गई राखियां इस बार भाइयों की कलाई पर बनती नजर आएंगी। आइए ले चलते हैं आपको इस मार्केट में, अपने सहयोगी से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ये राखियों का बाजार है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई हाथों से राखियां इस बार पूरे बाजार में गुलजार हैं, महिलाएं दुकान पर हैं और वो राखियों को खरीदने के लिए आई हैं। इस साल महाकाल की राखी बहुत ट्रेंड में है, शिव जी की और मेरा प्यारा भैया, ये सब ट्रेंड में राखी बहुत चल रही है और ये चांदी वगैरह की जैसे मेटल में बिकती है, ये सब कॉपर की, ये सब बहुत ट्रेंड में चल रही है। आजकल तो महंगाई हर जगह ही है, चाहे राखी हो चाहे खाना हो, हर जगह महंगाई है, सस्ता कुछ नहीं है। ट्रेंड की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा तो बड़ी राखियां पसंद की जाती थी लेकिन इस बार स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा बनाए गए मोती और धागे की कलावे की राखी ही सबसे बेहतर पसंद की जा रही है। तमाम राखियों का बाजार सज चुका है, ऐसे में जो राखियां हैं वो तमाम लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। 5 रुपये से लेकर 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये से अधिक की राखियां यहां पर उपलब्ध हैं। तो लगातार आप कई सालों से राखी के कारोबार कर रहे हैं, इस बार राखियों को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके की राखियाँ डिमांड में आ रही हैं और क्या कुछ कहना है? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज के समय में लोग जो है परिवर्तन करना चाहते हैं। पिछले आप देखा होगा कई वर्षों पहले बहुत बड़ी राखी हाथों पर बनती थी, पूरे हाथ भर जाते करते थे, मगर कुछ समय से पिछले 2-3 सालों से बदलाव आया है। स्टोन और मेटल टाइप की जो राखियाँ हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं। 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक 30 रुपये तक की बिक्री की राखियाँ आती हैं, अधिकतर लोग वही पहन लेते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती, लगभग महीने भर भी अगर पहनना चाहें और छोटे छोटे पतले महीन धागे होते हैं वो भी अगर आके पहनना चाहें तो पहनते हैं, वो साल साल भर तक चलते हैं। देखिए, राखी जो है मैन्युफैक्चर टाइप का ही छोटा सा एक व्यापार चलता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। मोहल्ले में हमारे कहीं ऐसे बच्चे हैं और स्वयं सहायता से हम लोग खरीद कर उन लोगों से राखी लेते हैं और यहाँ से परचेज बिक्री करने का कार्य करते हैं, जिससे उनको भी एक नया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक कदम जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो उन्हें बहुत इसके लाभदायक होता है। बबली भाटी मेरा नाम जी। आप विकास में राखी बेच रही हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको बेचने की, आपको बात करिए। सर, हमें विकास हम से एक मैडम नहीं थी पूजा मैम, उन्होंने RCT के द्वारा हमारी 6 दिन की ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराया था हमारे गाँव परिवार में और हम लोगों को राखी बनाना सिखाया था। हम पांच समूह की महिलाएं थी, उन्होंने हमें राखी बनाना सीखा, हमने 5,000 रुपये लगा के सारा सामान बनाया। आज पहला दिन है हमारा विकास भवन में स्टॉल में लगाया, उसके बाद हम अपने ब्लॉक अमरिया में लगाएंगे, ब्लॉक के हेड में लगाएंगे और हो सकता है अभी हमें कम समय मिला है अगले साल को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के रोजगार करने का। पूजा जी, अभी हमने देखा विकास भवन में कुछ महिलाएं राखी बेच रही हैं। यस सर, किस तरह से राखी बेच रही, क्या आपको जरूरत है? सर, मेरा नाम फिज़ा है और मैं बड़ौदा RCT की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी पीछे हमारा एक 6 दिवसीय प्रोग्राम चला था जिसमें हमने इन लोगों को राखी बनाना सिखाया। इन लोगों ने कच्चा माल बरखेड़ा से मंगवाया, उसके बाद करीब 20-25 महिलाओं ने मिलकर के अपना, सारे समूह की महिलाएं रहती हैं ये लोग, अपना घर से ही काम शुरू किया है और जिसका स्टॉल उन्होंने यहाँ पर सर लगाया है। सर, जो खाली महिलाएँ हैं घर में खाली वक्त यूँ ही ख़राब कर देती हैं तो उसमें वो अपना अर्निंग का कुछ ना कुछ जरिया है। अभी तो सीजनल है मगर अगले साल ये बड़े स्तर से काम शुरू करेंगे। राखी और कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? ये सर अभी तो अपने यहाँ पे विकास भवन में है, इसके बाद सर ये लोग जाएंगे अमरिया ब्लॉक में लगाएंगे और ये यहाँ पे मरौरी ब्लॉक में लगाएंगे। ब्लॉकों के माध्यम से और समूह की महिलाएं भी वहाँ पे एकत्र हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा सेल होने के चांसेस रहते हैं। इस बार स्वयं सहायता समूह के तहत महिलाओं को रोजगार भी मिला है और ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी एक रोजगार मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। कैमरा सेवकृत के साथ प्रशांत शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, पीलीभीत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।